वाह वाह रे प्यार वाह, साला दूर रहो तो कहीं हाथ काट लोगी, कहीं कुछ कर लोगी, कहीं फांसी लगाने का धमकी दोगी, कहीं मर जाओगी, और पास रहो तुरंत झगड़ा। इसका क्या मतलब है यार, क्या साबित करना चाहती हो तुमने ज़िंदगी में, हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी दिल्ली से बहुत दूर हम लोग हैं, इसलिए आ रहे हैं और घर आने के बाद बताते हैं और पूछते हैं कि क्या करना चाहती हो क्या नहीं, क्योंकि यहाँ से हम क्या कहें, हमारा फ़ोन भी नंबर भी ब्लॉक किया, तो हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन यही कहता हुआ हाथ काट ली, कमेंट कर रही हो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मिस्टर विष्णु राज। और दोस्तों आज अभी हम सुबह सुबह देखे, हमारे वीडियो पे कमेंट आया था, जो कि दोस्तों मालती ने किया है कि 21 घंटे पहले जब वीडियो पड़ा तभी। दोस्तों इंसान डिप्रेशन में है फिर भी दिल्ली लखनऊ हर जगह टूर कर रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, जब मैं डिप्रेशन में, मतलब ये है कि अब घर रहता हूँ तो तुम झगड़ा करती हो और झगड़ा करोगी, इसलिए मन को शांत करने के लिए मैं चला आया दोस्तों। दिल्ली आया था कुछ काम से, लेकिन मन बना और मैं माता वैष्णो देवी के भवन चला आया दोस्तों। यहाँ पे मैं आया और दर्शन किया, अभी जा रहे हैं हम लोग दोस्तों। रास्ते में वहाँ गाड़ी देख सकते खड़ी है, और बताना चाहता हूँ फिर, और ये महारानी बताइए अब ना जाने किस खुशी में क्या हुआ क्या नहीं, इनको कम से कम ये सोचना चाहिए। फिर भी अपने हाथ को पूरा अपने हाथ को काट ली, मतलब हाथ काट के, वो भी एक भैया है, हमारा नंबर तो ब्लॉक किए हैं, उस पर फोटो भेज रही हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो क्या कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्त, तो आप लोग बस यही कहिए कि अब घर जाने के बाद देखते क्या होता। मैं समझाऊंगा मनाऊंगा, क्योंकि कुछ भी हो मैं अपनी सब गलती मानता हूँ, चलो ठीक है भाई, लेकिन कम से कम ढंग से काम करो, रहो साथ में अच्छे से रहो, जब तुम रहोगे तो ऐसे हमें अकेले नहीं घूमना पड़ेगा। झगड़ा करती हो, बहुत सी बातें ऐसे बोलती हो, बुरा लगता है। अभी कोई चीज़ अभी समाज में बोल दो तो बुरा हमें नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। और दोस्तों बताइए, अगर भाई तुम्हें इससे क्या ऐसा दिक्कत आया, बार बार इनका यही नौटंकी, हमेशा हाथ काट लेती हैं, इसका मतलब क्या है साला, अपने बॉडी को इतना परेशान करना। अभी दोस्तों हम नहीं, हमारे पास फ़ोन नहीं करती, हमारा नंबर भी ब्लॉक किए हैं, और कोई मतलब नहीं। कल हम ऐसे फ़ोन था, फ़ोन आया, मैं बोला, बोल ही नहीं रही थी, बेटे को देखा, बेटे की याद आ रही थी, बेटे को देखा। और दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, रियल में टूट चुका हूँ, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस जी करता हूँ कि, जी करता है कि ना रहूँ और ना ऐसा हो, क्योंकि इंसान किसके सहारे जिए, जो अपना सहारा ही कुछ नहीं समझ रहा है। और तुम मालती अपना खुद समझो, बार बार अपने ही उस तरह रहती हो, एक बार सोचो क्या तुम नहीं गलत करती हो, तुम नहीं गलत की हो। झगड़ा करने के बाद ऐसे ऐसे वर्ड बोलोगी, हाँ मार बोलती है, हमें मारी तो मार ना ही खाए भाई हो, तो बताइए जब तुम कुछ कहोगी तो हम बोलेंगे, तुम गाली दोगी हम गाली देंगे, तुम्हार भी होगा। तो हर चीज़ जब मजाक कोई कर रहा है तो मजाक सहने का क्षमता भी होना चाहिए। और मैं कल सुबह घर आऊँगा, घर आने के बाद ऑन कैमरा मैं दिखाऊँगा कि क्या करना चाहेंगी क्या नहीं करना चाहेंगी दोस्तों, उसके बाद देखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मालती के बिना टूट जाओगे, कुछ नहीं होगा, और कुछ लोग कहते हैं, आप लोग आपस में रहिए। तो देखिए, सब लोग अपनी किस्मत से जीते, अपनी किस्मत से खाते, अपनी किस्मत से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं अपने टैलेंट को दिखा सकता हूँ। और हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मैं यहाँ से जाता हूँ, देखता हूँ, और रियल में बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। वहाँ गया, सिम बंद था। अभी हम लोग दोस्तों जब जम्मू से अभी वैष्णो देवी से आए हैं, कहीं अभी खाए नहीं हैं, पैसा से सिर्फ भंडारा भंडारा करके आए हैं। तो दोस्तों
वैसे ही कहना चाहता हूँ मालती, अभी भी सुधर जाओ और इस वीडियो को देख लो, एक प्यारा सा कमेंट करो कि हाँ क्या तुम्हें हमसे अभी कितना लगाव है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम गलत की हो, बस एक कमेंट करो। और हाथ काटने की ज़रूरी नहीं है, जिस तरह तुम हाथ काटी हो और की हो ये कौन सी बात होती है।